गेंदबाज ऐश्वर्य चंद का जीवन उस वक्त पूरी तरह से बदल गया जब साल 2013 में उन्होंने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में गिरफ्तार किया गया। श्री संत को दिल्ली पुलिस उस वक्त पकड़ कर ले गई थी जब वो टीम के साथ पार्टी कर रहे थे। उस घटना को श्री संत ने बुधवार को याद किया और बताया कि कैसे उन्हें पुलिस आतंकवादियों के वार्ड में ले गई और रोजाना उन्हें 16 से 17 घंटे टॉर्चर किया गया। श्री संत का सनसनीखेज खुलासा। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेट ट्रैकर के साथ वीडियो लाइव के दौरान श्री संत ने बताया कि उनसे दिल्ली पुलिस रोजाना 16 से 17 घंटे पूछताछ करती और उन्हें उनके परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया, जो कि उनके लिए टॉर्चर से कम नहीं था। श्री संत ने कहा, अगर तुम मेरी जान लोगे तो इसमें बस कुछ सेकंड लगेंगे। उस दिन मैच पार्टी चल रही थी और मुझे आतंकियों के वार्ड में ले जाया गया। मुझे लगा कि जैसे मुझे पकड़ा बनाया गया हूँ। श्री संत ने आगे कहा, मुझसे 12 दिनों तक 16 से 17 घंटे पूछताछ की गई। मैं उस समय अपने परिवार के बारे में सोचता था। कुछ दिन बाद मेरा भाई मुझसे मिलने आया और फिर मुझे पता चला कि मेरा परिवार सही है। उस मुश्किल वक्त में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। श्री संत ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उनकी जेल जाते और जेल से बाहर आते ही किसी ने फोटो नहीं खींची। श्री संत ने कहा कि उनके बच्चों को कम से कम ऐसी फोटो नहीं देखनी पड़ेगी। श्री संत ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि वो सुशांत की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गए। श्री संत ने कहा, मैं उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था और मेरी पत्नी ने मुझे मैसेज भेजा। उस वक्त तो मैंने मैसेज देखा नहीं, लेकिन जब मैं अपनी कार में था तो मैंने अपनी पत्नी का वॉइस मेल सुना। मुझे सुनकर लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर मैंने जब और जगह ये खबरें देखी, तस्वीरें देखी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं टूट गया था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।